हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एस्केप सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स सेल्फ बट इट्स इफेक्ट विल बी शोन। एस्केप का मतलब होता है छोड़ के भाग जाना, राइट? एस्केप कर गया, वहां से चला गया, लेकिन अपना इफेक्ट छोड़ जाएगा, यानी अपना प्रभाव छोड़ जाएगा। सो ऐसे कुछ सीक्वेंसेज हैं। सीक्वेंसेज का मतलब है कि दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसको हम सीक्वेंस बोल रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट के फॉर्म में होता है, लेकिन ये एक सिंगल कैरेक्टर की तरह से बिहेव करता है, राइट? चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एस्केप सीक्वेंसेज हैं। ये हमारे कई बार कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में और स्क्रीनिंग में ये पूछे जाते हैं, तो इनको हमें देखना चाहिए। एस्केप सीक्वेंसेज में पहला है, देखिए, स्लैश सिंगल कोटेशन मार्क, राइट? सो सिंगल, ये स्लैश का पर्पज ये है कि जो सिंगल कोटेशन मार्क है वो प्रिंट होगा। अगर डबल कोटेशन मार्क को हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हमें स्लैश के साथ डबल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक? अदरवाइज वो डबल कोट प्रिंट नहीं होगा। जैसे आप हेलो लिखते हैं ना स्क्रीन पे, HELLO, तो सिर्फ हेलो प्रिंट हो जाता है, लेकिन आपको डबल कोट्स और हेलो दोनों प्रिंट करना, मतलब डबल कोट्स भी चाहिए। तो आप स्लैश डबल कोट्स हेलो डबल कोट्स स्लैश ऐसा करके प्रिंट करिए। देन क्वेश्चन मार्क को भी ऐसा ही है। तो जितने भी स्पेशल टाइप के सिंबल्स हमें प्रिंट करने हो, एट द रेट है, क्वेश्चन मार्क है, डबल कोट्स है, या स्लैश इटसेल्फ अगर हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना हो, तो भी हम एक और बैक स्लैश लगा करके उसको प्रिंट करते हैं, राइट? इसके अलावा जो एस्केप सीक्वेंसेज आते हैं मेनली, वो ये हैं। जैसे स्लैश ए, ये एक अलर्ट है, एक बीप जनरेट होगी। ये बीप आपको कंप्यूटर के इंटरनल स्पीकर से शो होगी, राइट? तो बहुत ही शांत रह करके जब हम इसको साइलेंटली सुनेंगे तभी हल्की सी बीप सुनाई देगी अपने आप से। आप इसको करके देखिएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको यहाँ पर कंपाइलर पे भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। स्लैश बी बैक स्पेस के लिए है। ये कर्सर को एक पोजीशन लेफ्ट में मूव करा देता है, और लेफ्ट में जो भी कुछ होगा वो या तो डिलीट हो जाएगा या ओवर राइट हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल्स क्लियर होगा, ठीक? स्लैश एफ, ये फॉर्म फीड है। ये प्रिंटर से लिया हुआ चीज है, जो पुराने जमाने के हमारे पास वो टाइप राइटर होते थे, जिसमें हम लास्ट कैरेक्टर पर पहुंच गए और फिर अगली लाइन में हमें नेक्स्ट स्टार्टिंग से फिर पे जाना है, तो वहां पर उसको कर्सर को नेक्स्ट पेज पे मूव करते थे, राइट? स्लैश एन, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। हमने पढ़ा है इसको। प्रिंट एफ अगर हम लगाते हैं तो दो बार प्रिंट एफ लगाएं, तो ऊपर वाले में लास्ट में स्लैश एन लगा दें, या नीचे वाले प्रिंट एफ के शुरुआत में स्लैश एन लगा दें, तो नई लाइन में आउटपुट प्रिंट होता है। इसी तरह से स्लैश आर है, ये कैरियज रिटर्न है। ये सेम लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को लेके आता है, राइट? कर्सर क्या है? कर्सर एक तरह का वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जहां से स्क्रीन पे प्रिंट होना स्टार्ट होगा। स्लैश टी एक हॉरिजॉन्टल टैब है जो कर्सर को कुछ एक कैरेक्टर्स के गैप पर लेके आता है, जैसे कि स्लैश 6 कैरेक्टर के गैप पर या 5 के कैरेक्टर के गैप पर। ये गैप डिफाइंड होता है, उसके गैप पर अगली वैल्यू को प्रिंट करेगा सेम लाइन में। स्लैश वी वर्टिकल टैब है, और स्लैश 0 नल कैरेक्टर है, राइट? चलिए इनके क्वेश्चंस को इनको ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स के फॉर्म में देखेंगे, तब हमको ये चीज क्लियर होगी, राइट? ओके, तो एक मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कोड यहाँ पर देखिए बना रखा है एस्केप सीक्वेंसेस के फॉर्म में। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट एफ हेलो वेलकम। ये क्या लिखा है, ये एक एस्केप सिक्वेंस है, स्लैश 0। तो एस्केप सिक्वेंसेज पढ़े हमने, उनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन ध्यान रखनी है हमको, और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लियर कर देना है। तो देखिए पहला वाला प्रिंट एफ जब चलेगा तो हमें स्ट्रिंग में मालूम है कि जैसे ही स्लैश 0 मिलता है, स्ट्रिंग का एंड पॉइंट मिल जाता है। तो स्लैश 0 यानी नल कैरेक्टर जहां भी होगा वहीं पर स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी प्रिंट होनी। सो इस प्रिंट एफ का, पहले वाले प्रिंट एफ का आउटपुट भी इसके सामने लिखा है, अभी मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ आपको। फिर दूसरे वाले प्रिंट एफ में, पहले प्रिंट एफ में कोई स्लैश तो है नहीं, तो जो दूसरा प्रिंट एफ है वो इसी के आगे से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, यानी वेलको के आगे से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक? बाकी सारे प्रिंट एफ में मैंने स्लैशन भी लगा रखे हैं, जिससे कि हर एक प्रिंट एफ का आउटपुट नई लाइन में आए, तो हमको इफेक्ट पता चले कि ये कौन सा प्रिंट एफ है, ठीक? सो पहला प्रिंट एफ वेलको प्रिंट करेगा, दूसरा प्रिंट एफ स्लैश एन कहाँ लगा है, हेलो हाउ आर के बाद, यू से पहले। सो यहीं से लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? चलिए इसको रन करके दिखाते हैं और साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूंगा, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड करेंगे, राइट? सो मैं इसको एग्जीक्यूट किया है, ये आउटपुट स्क्रीन आ रही है हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पर ये आउटपुट स्क्रीन और प्रोग्राम दोनों एक साथ आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक? तो ये आपका प्रोग्राम हुआ और ये आपकी आउटपुट स्क्रीन, जो कि एक साथ आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। तो मैं इसको जरा सेट कर दूँ ठीक से। ओके चलिए देखें, राइट। तो देखिए पहला वाला वेलको, सो वेलको प्रिंट हुआ। फिर दूसरे वाले प्रिंट ऐप से हेलो हाउ आर,
हेलो हाउ आर तो सेम लाइन में है, लेकिन इस स्लैशन की वजह से लाइन चेंज हो गई है। सो ये जो यू है, यू के पहले एक गैप भी है यहाँ पर, है ना। तो ये गैप भी यहाँ पर आ रहा है यू से पहले, फिर स्लैशन लगा हुआ है। सो अगले प्रिंट एफ में जो भी है वो नई लाइन में आएगा। अगले प्रिंट एफ में स्लैश टी है। स्लैश टी क्या है? टैब सीक्वेंस। टैब यानी कि अब आर और यू के बीच में कुछ गैप जनरेट हो गया है। देखिए आउटपुट में आर और यू के बीच में यहाँ पर ये गैप जनरेट हो गया। ये हमारा तीसरा प्रिंट एफ है, राइट। फिर चौथा प्रिंट एफ क्या कर रहा है? उसमें स्लैश बी लगा है, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस क्या करता है? बैक स्पेस, जितने बार बैक स्पेस लगाएंगे उतने बार एक करेक्टर पीछे ले जाएगा। बैक स्पेस, हमारे कीबोर्ड में भी एक बटन होता है बैक स्पेस, जिसका काम हमारा बैक पीछे की तरफ ले जाना है। सो कर्सर को एक करेक्टर पीछे मूव कर देगा। सो पीछे जो भी है वो डिलीट हो जाएगा, राइट। और जो बैक स्पेस के बाद है वो आगे बढ़ जाएगा। यानी हेलो हाउ आर में जो आर में ए आर ई है वो ई डिलीट हो गया है। देखिए ई डिलीट हो गया है, और जो यू था वो यू आ गया है उसके आगे, ठीक। सो अगर हम दो बार ब्लैक स्लैश लगा देते हैं तो ये आर भी डिलीट हो जाता है हेलो हाउ ए यू, इस तरह से। फिर नेक्स्ट में देखिए स्लैश आर है। स्लैश आर कैरीज रिटर्न है, जो स्टार्टिंग में ले जाता है लाइन की। स्टार्टिंग कहाँ से है? हेलो के एच से। तो ये पूरे कर्सर को यहाँ पर हेलो के एच पे ले जाएगा। अब क्योंकि स्लैश आर और यू के बीच में भी एक गैप है, सो ये आउटपुट में एक गैप भी दिख रहा है, ठीक है ना। ये यू, ये वाला एक गैप दिख रहा है। तो ये यू को ऊपर लेके जा रहा है। सो गैप कहाँ पर आ गया? कैपिटल एच की जगह पर। Y ने किसको रिप्लेस किया? E को। O ने रिप्लेस किया पहले L को, और U ने रिप्लेस किया दूसरे L को। तो ये तो इस तरह से हुआ, और क्वेश्चन मार्क ने रिप्लेस कर दिया O को। तो ये तो हो गया U, और जो हाउ आर पहले से लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा, वो नहीं डिलीट होगा, ठीक। तो कैरेज रिटर्न की डेफिनेशन समझ गया। ये कर्सर को स्टार्टिंग में लेके जाएगा, और कैरेज रिटर्न के बाद जो भी कुछ है वो इसके साथ साथ शुरुआत से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी प्रिंट होगा उसके बाद जितना रिमेनिंग है वो भी प्रिंट होगा, ठीक। अब मैंने लास्ट लाइन जो प्रिंट एफ में एडिशनल ऐड करी है वो स्लैश की एक डेफिनेशन बताने के लिए करी है, कि अगर हमें सपोज कि जो भी हमने एस्केप सीक्वेंस लगाया, स्लैश ए, स्लैश बी, या स्लैश टी, या स्लैश आर, अगर वो एस्केप सीक्वेंस हमें प्रिंट करना हो और उसका इफेक्ट ना दिखाना हो, तो हम एक स्लैश और लगा देते हैं, ठीक। तो इसीलिए जो लास्ट प्रिंट एफ यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, उसमें हेलो हाउ आर के बाद स्लैश आर भी लिखा हुआ है। इसका इफेक्ट नहीं प्रिंट हुआ, ये खुद प्रिंट हो गया है। तो ये एक्स्ट्रा स्लैश की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा और ट्रिकी होंगे इन पर, उसको करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मेन के अंदर प्रिंट एफ में लिखा है स्लैश एन ए बी। अब लाइन बाय लाइन इनको डिकोड करते जाएंगे, और तीनों प्रिंट एफ के बाद जो आउटपुट आएगा एच ए आई, वो आपको यहाँ पर विजिबल है। तो आप इनके आउटपुट को, इस कोड को अपने आप से लिखकर इस आउटपुट को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ठीक। तो पहली लाइन जब डिकोड होगी, सो स्लैश एन है, सो स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन कैरेक्टर। सो आउटपुट में जो ए बी है वो नई लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी हमारा आउटपुट स्क्रीन पर मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। सो ए बी हमारे पास जो है वो नई लाइन पर प्रिंट हो गया है, मान लिया नई लाइन पर प्रिंट हो गया, ए बी हो गया। अब अगले प्रिंट एफ में क्या है? स्लैश बी। सो कर्सर कहाँ होगा? इस ए बी के आगे, क्योंकि यहाँ तो सिलेक्शन है नहीं। तो अगले प्रिंट एफ में जो भी प्रिंट होना है वो इसी कर्सर से आगे से प्रिंट होना है, ठीक बात है। अब प्रिंट होने में वहां लिखा क्या है? स्लैश बी। स्लैश बी क्या करता है? बैक स्पेस कर देता है। सो इस बी को हटा देगा, ये ऐसा कर देगा, ठीक। एक स्पेस पीछे ले आएगा, और इसके साथ और क्या है? एस आई। वो एस आई यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो ये हो गया, दूसरे का इफेक्ट आ गया, ठीक। तो हमारे पास जो पहले में बना था ए बी, और दूसरी लाइन आप चाहो तो इसको फिर से कर ले, यहाँ ए बी कर दे। और जब ये दूसरा प्रिंट एफ भी अपना काम दिखा चुका होगा, तो यहाँ बन गया होगा ए एस आई। कैसे बना? स्लैश बी की वजह से ये वाला बी डिलीट हो गया और एस आई प्रिंट हो गया। तो हमारा आउटपुट ये हो गया दूसरे प्रिंट एफ के बाद। अब तीसरे प्रिंट एफ ने क्या कह रहा है? ये स्टार्टिंग में ले जाएगा कर्सर को। स्टार्टिंग में ले जाएगा कर्सर को, यानी कि स्लैश आर जो है वो कहाँ ले आएगा? स्टार्टिंग में, यहाँ पर ए की जगह, ठीक। और एच ए भी प्रिंट करेगा। सो एच पहली जगह पर आ जाएगा, ए दूसरी जगह पर, और आई बना रहेगा। सो इसीलिए यहाँ पर ये कर्सर तो पहली जगह पर आ गया, कर्सर आया, और उसके साथ जो ये एच ए और लिखा हुआ है ना, स्लैश आर तो एक एस्केप करेक्टर हो गया, ये तो अपनी इफेक्ट दिखाएगा। जो ये है एच ए वो एक्स्ट्रा है। सो ये एच ऊपर वाले ए को रिप्लेस कर देगा, जो ए एस आई में ए है उसको रिप्लेस कर देगा, एच आ जाएगा। और ये वाला जो ए है ऊपर वाले ए एस आई के एस को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा ए। अब एच ए तो हो गए, लेकिन आई अभी भी ऊपर बचा हुआ है, वो आई भी आ जाएगा, और इस वजह से इसका आउटपुट आएगा एच ए आई, ठीक। ये पहला हो गया, आप चाहो तो इसको रन करके देख लो। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं ये कर्ली ब्रेस ये लगाने की वजह से कर्सर
कर्ली ब्रेस हट गया है तो इसको हटा दें, कमेंट हो गया था ना। तो अब इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एच ए आई आ गया। ठीक, यही तो इसका आउटपुट मैंने समझाया आपको, वही आ रहा है। चलिए अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले वाले कोड को। कमेंट बनाने के लिए हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर रहे हैं और ये ऐसा, और दूसरे वाले का अनकमेंट कर देते हैं जिससे कि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो दूसरे वाले का आउटपुट आपको समझ आ रहा होगा कि क्या होगा। तो जब ये प्रिंट एफ चलेगा तो इसमें क्या क्या है, दो चीज़ें हमें डिकोड करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो है सी, तो प्रिंट होना शुरू करेगा। तो आउटपुट में यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, सबसे पहले तो सी प्रिंट होगा, ठीक, फिर कोलन भी प्रिंट होगा, राइट। अब क्या लिखा है, स्लैश टी, तो स्लैश टी का मतलब है कि छह कैरेक्टर्स का या चार कैरेक्टर्स का गैप, 1 2 3 4 ऐसा गैप हो गया, 5 6, ठीक। उसके बाद में क्या लिखा है, सी। तो अब ये सी यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, लेकिन सी के तुरंत बाद लिख दिया है स्लैश बी, तो स्लैश बी एक कर्सर पीछे ले जाएगा और सी को डिलीट कर देगा, सी को डिलीट कर देगा और जो ये आगे आई एन है वो प्रिंट हो जाएगा। इस वजह से आउटपुट हो जाएगा सी कोलन स्पेस आई एन, टैब के गैप पर, ठीक, वही आउटपुट में यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लें, तो ये हो रहा है सी कोलन आई एन, ये इसका आउटपुट बताया मैंने, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट, लास्ट वाला देखें, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट नहीं है, तो इसको कमेंट कर देते हैं अब पूरे को यहाँ तक, ठीक, और इसको अनकमेंट कर देते हैं जिसको हमें देखना है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आपने गेस किया, यस, डबल स्लैश लगाने से उन एस्केप सीक्वेंसेस का इफेक्ट नहीं आएगा और वो खुद प्रिंट हो जाएंगे। सो इसी वजह से इसका आउटपुट अब मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो सी कोलन स्लैश टी प्रिंट हो जाएगा, एक स्लैश तो हट जाएगा क्योंकि वो यूटिलाइज हो गया एस्केप सीक्वेंस स्लैश टी के इफेक्ट को हटाने में, अदरवाइज स्लैश टी से क्या होता, गैप जनरेट हो जाता, तो स्लैश टी खुद प्रिंट हो गया, ठीक। फिर सी तो प्रिंट होना ही है, फिर एक और स्लैश है, इस स्लैश बी का इफेक्ट खत्म कर देगा और स्लैश बी खुद प्रिंट हो जाएगा, तो इस वजह से इसका आउटपुट ये आएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी, तो देखिए इसका आउटपुट क्या है, सी कोलन स्लैश टी सी बिन, ठीक। चलिए लास्ट कोड पर आते हैं, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो कमेंट कर दिया, और लास्ट वाले को इसको अनकमेंट कर लेते हैं, इसको अनकमेंट किया। अब यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इस स्लैश को हटा दें और फिर एग्जीक्यूट करें हेलो वर्ल्ड को, तो ये एरर दे देगा, तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग है ना, सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया, ब्रैकेट कंप्लीट नहीं किया, सो बहुत सारी वीकनेसेस हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये लाइन चेंज कैसे हुई होगी, जब हमने इसमें एंटर प्रेस किया होगा, एंटर की किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एंटर की होता है स्लैशन का रिप्रेजेंटेशन। अब हमें स्लैशन का ये रिप्रेजेंटेशन डिलीट करना है, तो स्लैशन के रिप्रेजेंटेशन को डिलीट करने के लिए हम एक स्लैश और लगा देते हैं, तो इसकी वजह से अब ये जो स्लैशन का रिप्रेजेंटेशन, स्लैशन का जो इफेक्ट था वो डिलीट हो गया। जैसे ऊपर हमने देखा ना, इस स्लैश की वजह से स्लैश टी का इफेक्ट डिलीट हो गया था, इस स्लैश की वजह से स्लैश बी का इफेक्ट डिलीट हो गया, उसी तरह से इस स्लैश की वजह से ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैशन आया है उसका इफेक्ट भी डिलीट हो जाएगा और ये वही प्रिंट कर देगा जो कि इसको प्रिंट करना चाहिए, यानी कि ये इसको ऊपर ले आएगा डबल कोट्स को और ये स्लैशन हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये कंपाइलर को इसकी वजह से क्या दिख रहा होगा, उसको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। कंपाइलर को ये दिख रहा होगा हेलो डॉट वर्ल्ड, हेलो डॉट डब्ल्यू ओ आर एल डी, ये इस तरह से दिख रहा होगा कंपाइलर को, कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा होगा, राइट, कंपाइलर को ये दिख रहा होगा, और इसका एग्जीक्यूशन करेंगे तो रिजल्ट में यही आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है आउटपुट में। इसको एग्जीक्यूट कर दें, आउटपुट आएगा देखिए हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हमने आज एस्केप सीक्वेंसेस को पढ़ा। अब इसमें जो वर्टिकल टैब और बाकी एक दो चीजें हैं उनका इफेक्ट हमें जल्दी विजिबल नहीं होता है। हाँ, एक चीज और है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम अपने उस एक जो हमने और देखा था उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हाँ या उसी में कर दें जो हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो इसी में अगर हम यहाँ पर लिख दें स्लैश ए, ये अलर्ट के लिए है ना, लेकिन ये दिखे, ये आपको सुनाई देगा, बहुत ही धीमा सा सुनाई देगा, तो इसके लिए वॉल्यूम को मैं एक बार पूरा कर लेता हूँ और इसको चेक करते हैं, ठीक। ये आप खुद से ऑब्जर्व करिएगा कि ये क्या दिखा, क्या सुनाई दे रहा है, स्लैश ए अलर्ट बेल है, राइट। तो एक बार फिर से अपने उसी सिक्वेंस वाले
पार्ट पर चलते हैं। सो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, विद एग्जांपल बताए हैं, इनको आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके वीडियो बैक करके एक बार फिर से करिए। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव लर्न टूडे, राइट? स्लैश ए स्लैश बी, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्लैश बी स्लैश आर स्लैश टी और स्लैश एन। ओके, थैंक यू।